राजा की 18 चौड़ी सेना से ओए गंगा महारानी की वही आदित्य हो कि बदल गए हो कुछ लग रहा था वैसे ही लग रहा था और जब दूध में हाथ डाले तो और माननीय दयाराम यादव जी से निवेदन करेंगे आज यहाँ पे पूजा चल रहा था और काफी खोलते हुए दूध में आप हाथ डाल रहे थे आपका हाथ वगैरह चल नहीं रहा हाथ पे ये साहब कुछ कृपा होती है जो धर्म का रक्षा करे तो कोई ना कोई शक्ति किसी रूप से आती है हम लोग भी नहीं जान पाते हैं लेकिन शक्ति आती है तो हम लोग की इच्छा होती है या मानुष आपने आग जला दिया बिना किसी उपयोग कैसे ये जला तो विश्वास की बात है हम लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं आप मंत्र के उच्चारण की बल से ऐसा इस पूजा से क्या क्या किस तरह के लोग आते हैं किस तरह से माननीय रमेश दुबे जी पूर्व विधायक जी आप जहाँ मंच पे आने कष्ट करें दीपावली के एक दिन बाद एक गोवर्धन पूजा की एक परंपरा और सदियों से चली आ रही और ये पूजा से एक तो घरों में अन्न का भंडार होता है और जब घर में अन्न आ जाता है तो वैसे भी जब घर में भंडार हो जाए अन्न का तो वैसे भी खुशहाली आ जाती है। ये पर्व अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाता है और इसका बड़ा महत्व है और हमको तो 5-7 जगह जाने का अवसर प्राप्त हुआ इस पूजा में और मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो समाज को और पूरे देशवासियों के लिए अच्छे अवसर प्राप्त करने के लिए जीवन खुशहाल करने के लिए ये पूजा का जो महत्व है उस पर प्रकाश पूरी तरह से डाला है।